तो वहीं रायपुर में डराने लगा है कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में सामने आए 258 नए कोरोना के मरीज। इलाज के दौरान 3 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। पॉजिटिविटी दर 2.53% पहुंच गया है। 23 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं कोरोना मामलों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में जो है वो पैर पसार रहा है कोरोना, एक बार फिर से डराने लगा है कोरोना। 23 जिलों से कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो देखिए फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। रायपुर में भी बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कई जिलों में जो है कोरोना के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है इलाज के दौरान। 23 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट आपको बता दें 2.53% हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है और 3 लोगों की मौत हो गई है। फिर से अब कोरोना के जो केसेस हैं वो ज्यादातर सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें मौत की, तो अब बीते 24 घंटों में 3 लोगों की मौत भी हो गई है, जो वाकई में चिंता का विषय है। और अगर हम एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो लगभग 1400 के आसपास एक्टिव मरीज की संख्या प्रदेश में बताई जा रही है। इसके अलावा अब कोविड के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। अभी तो 24 घंटों में 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो इस तरीके से कोरोना के जो केसेस है वो अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें या फिर किसी तरह की सावधानियां की बात करें, तो यहाँ पर राज्य शासन के द्वारा बीते समय ये आदेश जारी किया गया था कि छत्तीसगढ़ के जो तमाम बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर जांच की प्रक्रिया शुरू की जाए, वहाँ पर जांच अनिवार्य किया जाए, अस्पतालों में जांच अनिवार्य किया जाए। लेकिन अभी की बात करें तो अभी जो नागरिक है वो जागरूक होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी बूस्टर डोज को लगाने के लिए काफी लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। अभी भी बूस्टर डोज छत्तीसगढ़ में काफी कम जो लोग वो लगा रहे हैं, यानी कि प्रतिशत काफी कम है। इस वजह से भी कोरोना के जो मामले हैं वो देख सकते हैं कि कितने ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जी बिल्कुल सुप्रिया, तो कोरोना के मामलों की वृद्धि जो है, संख्या बढ़ती जा रही है, एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। लोगों से यही अपील है कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।